वालों के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली में पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड पानी की सप्लाई रोकने जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी में याचिका लगाकर यह कहा कि अभी दिल्ली वालों को पानी की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। जल बोर्ड ने कहा कि पानी में अमोनिया की मात्रा 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिसे फिलहाल ट्रीट करना उनके लिए संभव नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी कहा कि हरियाणा से आने वाले पानी की सप्लाई पर भी रोक लगाई जाएगी। पूनम शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम, किस तरह की क्राइसिस आने वाली है दिल्ली में? जल की समस्या, जल का संकट कितने दिन रहेगा? देखिए, अभी नोटिफिकेशन खुद जल बोर्ड ने जो है वो लागू कर दिया है कि अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये खतरनाक स्तर तक पहुंचा हुआ है, इसे ट्रीट दिल्ली में नहीं किया जा सकता, लिहाजा पानी की सप्लाई को रोकना पड़ेगा। और एनजीटी में इन्होंने अर्जी लगाई है, जिसमें 2:15 बजे के बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और सुनवाई में देखेगा कि जल बोर्ड किन किन बिंदुओं पर बात कर रहा है और कब तक ये क्राइसिस रहेगा। और पानी चूंकि हरियाणा से भी रोका जा रहा है, क्योंकि आगे जब सप्लाई आप नहीं दे पा रहे हैं तो पीछे से पानी लेना भी, फिर उसको स्टोर करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर अब एनजीटी 2:15 बजे सुनवाई करने वाला है। और जल बोर्ड अपनी क्राइसिस बताई है कि अमोनिया का स्तर 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो लोगों के लिए पीने लायक नहीं है पानी और अभी ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो यानी राजधानी में पानी की बड़ी किल्लत होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पूनम शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रही थी किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी समस्या बताई है। उनका यह कहना है कि पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पानी की सप्लाई बंद कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के सामने जल का संकट आ सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।